नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड से 2023 में जो भी विद्यार्थी 10वीं का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके 10वीं क्लास में हिंदी के बुक के अलावा आपके एक हिंदी में वर्णिका भी है, जिस वर्णिका से आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल 10 से 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर मौजूद रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी वर्णिका का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें 5 चैप्टर मौजूद है, और 5ों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र एक ही वीडियो में, और आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट बता देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको लगे हाँ 5ों चैप्टर का इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मौजूद है और साथ में साथ ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ही आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मंगमा क्या बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी आपके पहले ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मंगमा गाँव में बारी बारी से दही घुमाकर बेचती थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगमा बारी बारी से दही बेचती थी। ठीक है, आंसर याद रखना बी नंबर। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आंसर भी आप लोगों को दे रखा है, ताकि जब भी मैं इसका PDF आप लोगों को दूँ तो मतलब कि उसका आंसर आपके सामने रहे, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत हो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए में सांवर दैया, सुजाता, सतकुड़ी होता, श्रीनिवास, ढाते विश्वास। तो नीचे मैंने आंसर दे रखा है सी नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, सतकुड़ी होता। ढाते विश्वास के रचयिता कौन है, तो सतकुड़ी होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है गुणनिधि कहाँ से लौटा था। गुणनिधि कहाँ से लौटा था, तो मैं आपको बता दूँ गुणनिधि जो था वो कटक से लौटा था। आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, तीसरा का आंसर होगा ए नंबर, इसका भी आंसर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर हिंदी वर्णिका का 4 नंबर क्वेश्चन है पपत्ति की उम्र क्या थी। पपत्ति की उम्र 12 वर्ष थी। पपत्ति एक 12 वर्ष ग्रामीण एक लड़की थी। ठीक है, जिसको बहुत तेज बुखार हुआ था। ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका सीता के बेटो ने सीता को कितने रुपये महावारी खर्च देने का निर्णय किया। यानी कि जो सीते के बेटे थे वो मतलब कि सीता को महीना में कितने रुपया खर्च देने का निर्णय किया, 40 से 50 रुपया। तो जब 40 से 50 रुपये कहेगा, अगर 40 भी ऑप्शन में रहेगा तो 40 भी टिक लगा दीजिएगा, 50 भी रहेगा तो 50 भी टिक लगा दीजिएगा। तो एक्चुअली में 50 आंसर है ऑप्शन नंबर बी में, तो 50 आप लोग टिक लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। 40 भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो 40 भी सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी, तो धरती कब तक घूमेगी कहानीकार है सांवर दैया, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे मैंने आंसर शो कर दिया, आंसर होगा बी नंबर पापत्ति। नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो पापत्ति, आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसे भेजा। तो लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए गुणनिधि को नहीं बल्कि अपने बड़े पुत्र को भेजा था, बड़े पुत्र यचूत को भेजा था। आंसर होगा डी नंबर, लेकिन इसका आंसर मैं यहाँ पर सी नंबर शो किया हूँ। इसलिए मैं सी नंबर शो किया हूँ कि जब मैं बुक को पढ़ रहा था तो हमको कन्फ्यूज़ हो गया, तो हम कन्फ्यूज़ हो गए थे कि इसका आंसर सी नंबर होगा, लेकिन इसका आंसर सी नंबर नहीं होगा। मात्र पूरे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पर मैं इसका आंसर गलत टिक लगा दी हूँ, लेकिन इसका आंसर होगा डी नंबर। आप लोग देख लीजिए गुणनिधि को नहीं बल्कि यचूत को मतलब कि लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए भेजा था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। महानंदा, ऑप्शन नंबर बी होगा महानंदा, ऑप्शन नंबर बी होगा महानंदा। अगला क्वेश्चन है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, माँ ढाते विश्वास नगर दही वाली मंगमा, और ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, आंसर क्या होगा, दही वाली मंगमा पहले ही चैप्टर है। ठीक है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा दही वाली मंगमा। ठीक है, आपके हिंदी हम 5 चैप्टर है, माँ ढाते विश्वास नगर दही वाली मंगमा और एक और धरती कब तक घूमेगी, यही 5 आपका चैप्टर है और 5ों चैप्टर कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, तो बेंगलोर, तो आप लोग ज़्यादातर बताएंगे बिहार, लेकिन इसका आंसर बिहार नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर ए होगा उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा यानी कि ये उड़िया भाषा का कथकार है, ढाते विश्वास एक उड़िया भाषा के कथकार भी है। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में कौन सा स्वयंसेवी दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। देखिए
दहाते विश्वास कहानी में कौन स्वयं सभी दल के साथ बांध के निगरानी में लगा था, तो वो होता है गुणनिधि। आंसर क्या होगा, गुणनिधि। ठीक है, याद रखना आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, मंगू किस कहानी के पात्र है, मंगू यानी कि मंगू माँ कहानी के प्रमुख पात्र है, आंसर होगा सी नंबर। दोस्तों आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, नगर किस भाषा की कहानी है, तो हमको लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए सी नंबर। ठीक है, तमिल भाषा की है। ठीक है, क्या तमिल भाषा की, आंसर होगा आपका सी नंबर, तमिल भाषा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सामरदैया किस भाषा के कहानीकार है, सामरदैया तो राजस्थानी होना चाहिए, हाँ राजस्थानी है, सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजस्थानी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सीता के कितने पुत्र थे, कोई बताएगा, सीता का पुत्र, पुत्री नहीं बल्कि पुत्र है, पुत्र। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, तीन ना, हाँ तीन ही होगा। ठीक है, सीता के तीन पुत्र थे, कितने पुत्र थे, तीन पुत्र थे, आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक श्रीनिवास, आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में कब हुआ था, देखिए श्रीनिवास का 1891 में ही हुआ था, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर यही होगा, 1891 में ही हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार है, श्रीनिवास तो कन्नड़ भाषा के, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कन्नड़ भाषा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मस्ती वेंकट अयंगार किस लेखक का नाम है, तो हमको लगता है कि श्रीनिवास जी का ही आंसर, हाँ बिल्कुल सही आंसर सी नंबर ही सही है, श्रीनिवास जी का ही है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहाँ से संभाल ली गई है, कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ कहानियाँ, आंसर होगा आपका डी नंबर, कन्नड़ कहानियाँ। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किसने किया, बी आर नारायण, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी आर नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दही कौन बेचती थी, तो दही मंगमा बेचती थी, आंसर होगा सी नंबर, दही कौन बेचती थी, तो मंगमा बेचती थी। अगला क्वेश्चन है, रंगपा जुआ खेलता था, वो एक जुआड़ी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगमा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रखना चाहती थी, तो लेखक के माँ के पास। ठीक है, लेखक के माँ के पास, आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो मंगमा मखमल के ब्लाउज पहनना पसंद करती थी, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो हमको लगता है कि यहाँ का आंसर होगा सातकोड़ी होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर बी होगा सातकोड़ी होता। अगला क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता एक प्रमुख कथाकार है, तो हमको लगता है गुजराती आंसर होगा। ठीक है, नहीं आंसर तो ये उड़िया, हाँ वो तो कन्नड़ होगा, दही वाली मंगमा कन्नड़, हाँ सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, सातकोड़ी होता उड़िया कथाकार है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता जी का जन्म कब हुआ था, तो उन ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सी नंबर दिया, 19 अक्टूबर 1929 ईस्वी में सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। ठीक है, देखिए पूरा याद कर लीजिएगा, ये पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर से आपको दोबारा ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ढहते विश्वास कहानी से उद्गृत है, तो उड़िया ऑप्शन नंबर ए होगा, ढहते विश्वास उड़िया ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी का अनुवाद किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो लक्ष्मण जो लक्ष्मी के पति थे वो कलकत्ता में नौकरी करते थे, आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था, तो देवी नदी के बांध के नीचे, आंसर होगा सी नंबर, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, महान नदी के ऊपर छोर में कौन सा बांध था, तो हीराकुंड बांध आंसर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है, हीराकुंड बांध था, कौन सा बांध था, हीराकुंड, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जेब्रा अनिकट में किस नदी का पानी ठहर जाता है, तो महानदी, आंसर होगा आपका डी नंबर, महानदी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुरुनिधि ने किस दल का गठन किया? तो गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुरुनिधि ने मतलब कि स्वच्छ सेवक दल का स्थापना किया। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बारी बारी से लड़के डल्ही बांध की निगरानी कर रहे हैं, तो किसके शहर के लड़के, गांव के लड़के, नहीं गांव के लड़के बारी बारी से डल्ही बांध की निगरानी कर रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मण की पत्नी का नाम था लक्ष्मी और लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के ससुर कैसे मारे गए? तो बांध में काम करते समय उसमें दबकर मर गए, ठीक है। आंसर होगा सी डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? ईश्वर पेटलीकर तो गुजराती होगा, आंसर होगा ईश्वर पेटलीकर गुजराती, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, खून की सगाई के लेखक कौन है? खून की सगाई के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जी हैं, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगला क्वेश्चन है, काला पानी की विद्या है तो हमको लगता है उपन्यास होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, उपन्यास होगा। आंसर क्या होगा? उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी का अनुवाद किसने किया? माँ कहानी का अनुवाद किसने किया? गोपाल दास नागर, ऑप्शन नंबर ए होगा, गोपाल दास नागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की प्रमुख पात्र है? तो मंगू माँ कहानी की प्रमुख पात्र, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मंगू जन्म से पागल और गूंगी दोनों थी, तो आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन, मंगू के भाई थे? तो मंगू के हमको लगता है दो ही भाई थे, मंगू के दो ही भाई थे, बिल्कुल मंगू के दो ही भाई थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, माँ को किसकी फिक्र रहती थी? तो माँ को अपनी बेटी मंगू की फिक्र रहती थी क्योंकि वो जन्म से ही गूंगी और पागल थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगहन का महीना माँ जी के लिए था? तो अगहन का महीना माँ जी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ था क्योंकि आने वाले अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी, ऐसा उनका मतलब कि कहना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, माँ जी अस्पताल को क्या समझती थी? तो माँ जी अस्पताल को गौशाला समझती थी, आंसर होगा ए नंबर 50 का। और 51 नंबर क्वेश्चन है, मंगू के कितने बहनें थी? तो मैं आपको बता दूं, अगर मंगू के लेकर दो बहनें, लेकिन मंगू के तो सिर्फ एक ही बहनें थी, तो मंगू का एक ही बहन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सुजाता का वास्तविक नाम है? तो सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन, मेरे ही थोड़ा नाम से संबंधित है, एस रंगराजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एस लगेगा, एम नहीं एन नहीं एल, अब आंसर होगा बी नंबर एस। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था, आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी कहाँ से ली गई है? नगर कहानी उड़िया नहीं होगा, तमिल नहीं होगा, कन्नड़ तमिल होगा, ठीक है। नगर कहानी आधुनिक तमिल कहानियां से ली गई, आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वल्ली अमाल की पुत्री का क्या नाम था? तो वल्ली अमाल की पुत्री का नाम था पपत्ति, जो एक 12 वर्षीय लड़की थी जिसको बहुत तेज बुखार हुआ था। अगला क्वेश्चन, पहले दिन पपत्ति को मतलब कि बुखार था, आंसर होगा आपका सी नंबर, बुखार था। अगला क्वेश्चन है, वल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी? वल्ली अमाल को पपत्ती को लेकर चिंता सताने लगी, आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया था, पपत्ती को बुखार हुआ था, जिसको हम लोग मेनिनजाइटिस भी बोलते हैं, इसको बुखार भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वल्ली अमाल पपत्ती को वापस कहाँ ले जाना चाहती थी? तो मुंडांडीपट्टी ले जाना चाहती थी, यही आंसर ही दिया, आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पपत्ती के ठीक होने पर वल्ली अमाल भगवान को क्या चढ़ाने की मन्नत मानती है? लड्डू बताशा फरवी नहीं, बल्कि रेस गाड़ी चढ़ाने की मन्नत मांगती है। पपत्ती अगर ठीक हो जाएगी तो वल्ली अमाल भगवान को रेसगाड़ी चढ़ाने की मन्नत मांगती है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमको लगता है कि तमिलनाडु में स्थित है, देखते हैं इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, मीनाक्षी जो मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वल्ली अमाल को कितने नंबर कमरे में जाना था? तो 48 नंबर वाले रूम में जाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांवर दैया किस भाषा के कथाकार है? तो सांवर दैया राजस्थानी भाषा के कथाकार हैं, ठीक है।
आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है तो सामरदैया, ऑप्शन नंबर सी होगा, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है सामरदैया। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी का अनुवाद किसने किया था, धरती कब तक घूमेगी के पाठ का अनुवाद खुद स्वयं सामरदैया ने ही किया था, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से ली गई है तो गुजराती, हाँ गुजराती, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर समकालीन गुजराती साहित्य, ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन इसमें तो सी दिया है। रुकिए एक मिनट, गुजराती तो होना चाहिए, नहीं राजस्थानी ना होगा, राजस्थानी सही है ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था, समकालीन मराठी साहित्य से ली गई है ठीक है। धरती कब कब घूमेगी कहाँ से, तो आंसर क्या सी नंबर, समकालीन भारतीय साहित्य से ली गई, आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश ही नाम था सीता के बड़े लड़के का नाम। अब देखिए सीता के कितने बेटे थे, हमको लगता है कि सीता के तीन बेटे थे, हाँ सीता के तीन बेटे थे, आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, तो कैलाश की पत्नी का नाम था राधा कैलाश की पत्नी का नाम था, आंसर होगा सी नंबर। सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था, बिज्जू सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम था, आंसर होगा डी नंबर। सीता को क्या सिकुड़ता सा नज़र आ रहा था, तो घर सिकुड़ता सा नज़र आ रहा था घर, ठीक है, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सीता के कितने रुपये महीना देने का मतलब कि निर्णय लिया, तो 150, 300, 400, 500, 150 रुपये, 150 रुपये, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 150 रुपया। और अंतिम क्वेश्चन है, सीधा खुद को क्या मानती थी, तो सीधा खुद को अपने आप को भिखारिन समझती थी, आंसर होगा आपका सी नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको पूरे 5 चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, जिसमें से एक मिसप्रिंट हुआ था कि मतलब कि लक्ष्मी ने किसे बांध की निगरानी करने के लिए भेजा था, तो अपने बड़े पुत्र यचूत को भेजा था, जिसका आंसर मैंने वहाँ पर गुणनिधि डाला था, गुणनिधि काट दीजिएगा, यचूत आप लोग टिक लगाइएगा ठीक है। और अगर आप लोगों को सच में लगा कि सर 5वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, तो एक लाइक करके जाइए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ठीक है।